टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में मैं तेजस ठक्कर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जो टेक्निक सीखने जा रहे हैं वो शायद ही आपने देखी होगी, और अगर आपने ये टेक्निक देखी हो तो शायद ही आपको पता होगा कि इस टेक्निक का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। मोबाइल में 3D ऑब्जेक्ट, अलग अलग 3D ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो कैसे हम डिस्प्ले कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि स्नैक जो मोबाइल स्क्रीन पर मूवमेंट कर रहा है, वैसे ही माउस जो है वो भी मोबाइल स्क्रीन पर मूवमेंट कर रहा है। ये टेक्निक का यूज़ करके आप अलग अलग कई सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं, जैसे बटरफ्लाई है, एंट है, ऐसे कई सारे ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है जिसको आप आपकी मोबाइल स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हैं। थोड़े एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले स्नैक जो है वो मोबाइल स्क्रीन पर मूवमेंट कर रहा है, जो 3D ऑब्जेक्ट है। आप कोई भी वर्क करोगे जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, जीमेल, तो अभी ये आपका ऑब्जेक्ट जो है वो अपने आप ऑटोमेटिकली मूवमेंट करता रहेगा। वैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पर माउस जो है वो भी एक ऑब्जेक्ट है जो मूवमेंट कर रहा है। उसके साथ आप देख सकते हैं एक बटरफ्लाई है जो मोबाइल स्क्रीन पर इस तरह से मूवमेंट कर रहा है। तो इस तरह की टेक्निक का यूज़ करके आप बहुत ही इजी प्रोसीजर के थ्रू जो अलग अलग 3D ऑब्जेक्ट है उसको आप मोबाइल स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस तरह की ट्रिक का कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। साथ में व्यूअर्स मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसे ही मोबाइल, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसके थ्रू आपको अलग अलग टेक्निक्स के बारे में नई नई जानकारियाँ मिलती रहेगी। और अगर आपको हमारी ये टेक्निक या वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस टेक्निक का यूज़ किस तरह से हम कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं मोबाइल स्क्रीन पर जो माउस जो है वो मूवमेंट कर रहा है। इस तरह से आप इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ स्नैक। आप देख सकते हैं मोबाइल स्क्रीन पर जो स्नैक है वो मूवमेंट कर रहा है। इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट मोबाइल स्क्रीन पर मूवमेंट कर सकता है। ये सभी ऑब्जेक्ट जो है वो 3D ऑब्जेक्ट्स है। आप देख सकते हैं ये स्नैक जो है वो मोबाइल स्क्रीन, और कोई भी आप अगर एप्लीकेशन अगर ओपन करोगे तो भी ये अपने आप ये स्क्रीन पर डिस्प्ले होता रहेगा। आप जैसे देख सकते हैं, जैसे मैं SMS का एक यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ, फिर भी ये जो स्नैक जो है वो अपना मूवमेंट जो है वो इस तरह से आप देख सकते हैं डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर अलग अलग जो भी एप्लीकेशन का यूज़ अगर आप करोगे तो अभी स्नैक जो है वो अपना मूवमेंट जो है वो वैसे ही काम करेगा जैसे ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं आपको बटरफ्लाई जो है उसका मूवमेंट किस तरह से हो सकता है वो स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं बटरफ्लाई जो है 3D ऑब्जेक्ट वो मोबाइल स्क्रीन पर इस तरह से मूवमेंट कर रहा है। तो इस तरह के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो है, माउस है, स्नैक है, बटरफ्लाई है, एंट है, वो किस तरह से मूवमेंट इस तरह पर मोबाइल पर कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो हो जाइए तैयार किस तरह से 3D ऑब्जेक्ट मोबाइल स्क्रीन पर आप इस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं। इस टेक्निक का यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर ओपन करना है। आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीन पर गूगल प्ले स्टोर ओपन किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च बार में जस्ट फॉर फन आपको इस तरह से टाइप करना है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर JUST
जस्ट फॉर एफ यू एन फन। तो आपको जस्ट फॉर फन के अलग अलग जो एप्स जो है वो आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। आप देख सकते हैं सबसे पहले स्नैक ऑन स्क्रीन, उसके बाद माउस ऑन स्क्रीन, बटरफ्लाई, लिजर्ड, फायर फॉन, एंट ऑन स्क्रीन, बग, क्रैक योर मोबाइल, अर्थवॉर्म, फ्लाइंग फॉन फनी, फ्रॉग वॉकिंग। इस तरह से जस्ट फॉर फन के अलग अलग जो एप्स है वो आपको इस तरह से डिस्प्ले हो रहे हैं। आप देख सकते हैं फर्स्ट थ्री जो एप्लीकेशंस जो है स्नैक, माउस और बटरफ्लाई, जो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दी है। जैसे मैं कोई भी एक ऐप ओपन करता हूँ, आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है, तो मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसका रेटिंग भी अच्छा है, 4.2 रेटिंग यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, इसका यूज़ आप कैसे करना है आपको वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके लिए आपको जैसे ही आप ऐप ओपन करोगे तो एक स्क्रीन आपको डिस्प्ले हो जाएगी। आप देख सकते हैं इसमें सबसे ऊपर ब्लू कलर का जो आइकन है उसमें स्नो स्नैक है जो डिस्प्ले करने के लिए। देन हाइड नोटिफिकेशन आइकन, यहाँ पर अगर आप चाहो तो नोटिफिकेशंस जो है वो आप हाइड कर सकते हैं। उसके नीचे आप देख सकते हैं स्नो सो स्नैक डिले, कितने सेकंड्स के बाद इमिडिएटली तो तुरंत ही स्नैक जो है वो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। उसके बाद 10 सेकंड्स अगर आप रखोगे तो 10 सेकंड्स के बाद आपका जो स्नैक है वो डिस्प्ले होगा। और अगर आप चाहो तो अलग अलग सेकंड्स ऑटोमेटिकली डिफाइन कर सकते हो कि आफ्टर 15 सेकंड्स के बाद वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्नैक साइज़ जो अलग अलग यहाँ पर अवेलेबल है, नॉर्मल, बिगर एंड ह्यूज, कोई भी आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं ह्यूज साइज ले रहा हूँ, और जैसे ही मैं सो स्नैक पर प्रेस करूँगा तो इस तरह से आपको मोबाइल स्क्रीन पर स्नैक जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसी तरह से आप जस्ट फॉर फन जो है उसकी कई सारी इस तरह की 3D ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड एप्लीकेशंस है, इसका यूज़ करके आप अपने कंप्यूटर में, मोबाइल में इस तरह से स्क्रीन जो है उसको आप डिस्प्ले कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आपकी कमेंट्स है मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।